रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाए। और जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8वीं जमात साइंस ब्रिज कोर्स का सरगर्मी नामा 12। आइए समझते हैं कहत, बादल का फटना, सैलाब, बिजली गिरना, आतिशफिशां, सुनामी। हवाला जमात हफ्तम, सबक नंबर 10, आफात का दौरान हुस्न इंतज़ाम। आमोज़िशी महासिल आसपास रोनमा होने वाली आफात जैसे कहत, सैलाब, बादल का फटना, बिजली का गिरना, तूफान वगैरह के बारे में बेदार रहकर उसके मुतालिक एहतियाती तदाबीर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। जहन नशीन कीजिए। कहत, अब हम पढ़ेंगे कहत क्या होता है। भुखमरी जिसे कहते हैं, अनाज और पानी की तवील अरसे तक और बड़े पैमाने पर कमी से पैदा होने वाले हालात को कहत कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं किसान ज़मीन पर बैठा हुआ सूखी, पानी नहीं गिरता तो फसलें नहीं उगती और खाने और पीने दोनों की कमी हो जाती। इसी तरह टैंकर आते हैं और घरों को पानी बांटा जाता है गिन गिन के। तो यहाँ पर आप ये दो शक्लें देख रहे हैं। कहत को आमतौर पर दो ज़मरों में बांटा जाता है, मामूली कहत और शदीद कहत। कहत की वजूहात, कहत की कुदरती वजूहात भी हैं और इंसानी वजूहात भी हैं। कुदरती वजूहात में खुश्कसाली, शदीद बारिश और सैलाब में फसलों का बह जाना या फसलों का नुकसान, दर्जा हरारत में तब्दीली, आंधी, सर्द हवाएँ, कोहरा वगैरह माहौल में तब्दीलियां हैं। इसी तरह फसल को खाने वाले कीड़े, बीमारियां, टिड्डी दल का हमला, चूहे, घूस वगैरह, जानवरों के ज़रिए होने वाले फसलों को नुकसान, ये भी कहत की अहम वजह है। इंसानी वजूहात में जंग, अंदरूनी मुल्क बदअमनी, रास्तों की किल्लत, आबादी में बेशुमार इजाफा, तो इस तरह से इंसानी वजूहात में ये सब चीज़ें शामिल हैं। ज़रा गौर कीजिए, मंदरजा बाला कहत की वजूहात पर गौर कीजिए और कहत की शिद्दत कम करने के लिए अपनी राय दीजिए। तो जो फसलों की कमी हो जाती है, खाने पीने की कमी हो जाती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको सोचना है। और इन वजूहात जो इंसानी वजूहात हैं उनमें किस तरह से हम कमी ला सकते हैं वो कोशिश करना है। बादल का फटना, तेज़ी से अमल तकसीफ की वजह से ज़मीन के एक ख़ास या छोटे हिस्से पर तकरीबन 100 मिलीलीटर प्रति घंटा या उससे ज़्यादा रफ्तार से बारिश होती है तो उसे बादल का फटना कहते हैं। बादल फटता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत पानी गिरता है और वो जगह जहाँ ये पानी गिर रहा होता है वहाँ बहुत पानी भर जाता है और इस तरह से बहुत सारे नुकसान होते हैं। सैलाब, सैलाब से बचाव के लिए आप कौन सी तदाबीर करेंगे। यहाँ पर एक शक्ल नज़र आ रही है जहाँ पर घर भी, कारें भी, लोग सब पानी में डूबे हुए हैं। अभी महाड़ में जिस तरह का हादसा हुआ, सैलाब आया, एक तरह से पूरा शहर, गांव सब पानी में डूब गए। तो ये सैलाब का जो अभी अभी आया उसका बहुत बुरा हादसा हमने महसूस किया और लोग अभी तक परेशान, उनके घरों में मिट्टी वाला, कीचड़ वाला पानी भरा हुआ है। बिजली गिरना, सभी बिजलियां ज़मीन पर नहीं गिरती, 95% बिजलियाँ आसमान ही में होती हैं, सिर्फ 5% बिजलियाँ ज़मीन तक पहुँचती हैं। बिजली एक ही बादल, दो बादलों या बादल और ज़मीन के दरमियान पैदा हो सकती है। बिजली की वजह से पैदा होने वाला दर्जा हरारत सूरज की दर्जा हरारत से ज़्यादा होता है। बिजली कड़कती है, बिजली जब अगर किसी पर गिर जाती है तो वो जान भी जा सकती है। बताइए तो भला, आसमान में बिजलियाँ कड़कते वक्त आप कौन सी एहतियात करोगे। तो आसमान में अगर बिजलियाँ कड़क रही है तो हम किसी दरख्त के नीचे नहीं खड़े होंगे, इसी तरह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो कुछ इसी तरह के बिजली के जो आलात होते हैं उनका इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। आतिशफिशां, आतिशफिशां का फटना एक कुदरती अमल है। ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा बेहद गर्म है, अंदरूनी से बैरूनी हिस्से की जानब या सतह ज़मीन तक गर्म मादों की हलचल मुसलसल होती रहती है। इसलिए बाज़ वक्त कुशरे के नीचे मौजूद ठोस माए और गैसी मादे कुशरे की जानब ढकेले जाते हैं। ये मादे कुशरे के बाहर खारिज होकर सतह ज़मीन पर आकर बहने लगें तो उसे आतिशफिशां का फटना कहते हैं। आप देख रहे हैं ज्वालामुखी भी कहते हैं इसको। यहाँ पर जब आतिशफिशां फटता है तो जो मादे पिघलते हैं, धाते वगैरह, इसके अलावा जहरीली गैसें भी निकलती हैं, दूर दूर तक धुआं और आग फैल जाती है। सुनामी, समुद्रों के तह में आने वाले जलजले और आतिशफिशां की वजह से बनने वाली ये लहरें सुनामी लहरें कहलाती हैं। समुद्रों के किनारे पर जो सैलाब आता है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसे हम सुनामी कहते हैं।
सुनामी के मानी किनारे से आकर टकराने वाली पानी की बड़ी लहर। सुनामी के भी तबाहकुन असरात होते हैं, इमारतें तामीरात ढह जाती हैं, बड़े पैमाने पर जानी मानी नुकसान होता है, कश्तियों और जहाज़ों को नुकसान पहुंचता है, बड़े पैमाने पर ज़मीन खिसकती है, ज़मीन दर दर में तब्दील हो जाती है, दरख्त जड़ से उखड़ जाते हैं। तो ये जो आफतें हैं कुदरती, ये हमने देखा नकलो हमले में रुकावट पैदा यानी आने जाने में। आप देख रहे हैं कार टूटी पड़ी है और दरख्त गिर गया है, सब जगह फैला हुआ है, सब जो तरह तरह की चीज़ें टूटी फूटी हैं। अवामी ज़िंदगी में खलल पड़ता है, बंदरगाहों को नुकसान पहुंचता है। तूफ़ान, बताइए तो भला तूफ़ान से खुद को और दूसरों को आइए मश्क करें। सवाल नंबर एक, मुनासिब मुतबादल का इंतखाब करके दर्जे जुमले मुकम्मल कीजिए। कुदरती आफत है जलजला, जलजला एक कुदरती आफत है। दूसरी खाली जगह में लिखना आतिशविशां जिस तरह से ज़मीन पर होते हैं उसी तरह से समुंदर में भी पाए जाते हैं। दूसरा सवाल है कहत से मुतालिक पांच नारा कीजिए, तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आप अलग अलग तरह टाइप के नारे बना सकते हैं। दरख्त लगाओ, कहत को दूर भगाओ, आबादी घटाओ, कहत से बचो, होकर मुनासिब मनसूबाबंदी होगी कहत से दूरी, पानी बचाओ, ज़िंदगी बचाओ, मुतवाजिन माहौल, मुतवाजिन ज़िंदगी, इस तरह से नारे आप बना सकते हैं। अगला सवाल है कहत इस आफत से निपटने के लिए तदाबीर बताइए। तो इसका जवाब आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पानी का मनसूबाबंद तरीके से इस्तेमाल करना, उसका दोबारा इस्तेमाल करना, मुकामी तौर पर आबी तहफ़ की मुनासिब मनसूबाबंदी, बड़े पैमाने पर शजरकारी और मौसम की तब्दीली का अंदाज़ा लगाकर मनसूबे में तब्दीली करना। अगला सवाल है तस्वीर में दिखाई गई आफत को पहचान कर हिफाजती इकदाम बताइए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सैलाब आया हुआ है, तो सैलाब से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर हैं। पहाड़ी इलाकों में छोटे बांध बनाना, तालाब बनाना, नदी किनारों को मसनवी तौर पर सीधे करना, नए जंगल उगाना, नदियों को जोड़ना। सवाल नंबर छः है तस्वीर में दिखाई गई आफत पहचान कर हिफाजती इकदाम बताइए। तो यहाँ पर बिजली गिर रही है, तो आप क्या करेंगे? महफूज मुकाम में आसरा लेंगे, घर में है तो गैस रेगुलेटर के स्विच लाइट बंद करेंगे और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस आफत के बारे में आगाह करेंगे। अगला सवाल, सुनामी किसे कहते हैं और कोई दो असरात लिखिए। तो जवाब लिखेंगे समुंदरों की तह में आने वाले जलजले और आतिशबाजी की वजह से बनने वाली लहरें सुनामी लहरें कहलाती हैं। सुनामी जापानी जबान का लफ्ज़ है। सुना